यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा की टॉप 10 नगर पालिकाओं में अपना नाम दर्ज करवाने वाली गोला चीका की नगर पालिका इन दिनों विवादों में घिरी है। दरअसल बीजेपी चेयरपर्सन और समर्थित पार्षदों ने बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाए हैं। चेयरपर्सन और समर्थित पार्षदों का आरोप है कि विधायक कुलवंत बाजीगर नगर पालिका चीका में विकास कार्य में रोड़ा अटकाने के लिए सचिव के माध्यम से नगर पालिका चीका में जो विकास के टेंडर सभी पार्षदों ने बैठक में पास थे उसे कैंसिल करवा दिया है और यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विधायक की ओर से नगर पालिका चीका के विकास टेंडर कई बार कैंसिल करवा दिए गए हैं। चेयरपर्सन और समर्थित पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका सचिव अशोक कुमार जो कि विधायक कुलवंत बाजीगर का भतीजा है वो नगर पालिका के चुने हुए पार्षदों से दुर्व्यवहार करता है और आए दिन नगर पालिका चीका में अपनी मनमानी भी करता है। फिलहाल चेयरपर्सन और समर्थित पार्षदों ने एसडीएम गोला को एक लिखित शिकायत देकर अवगत करवाया है कि अगर आगामी 72 घंटों में विकास टेंडर ना लगाए गए तो सभी पार्षद नगर पालिका चीका को ताला लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हम शहर के विकास कार्यों को लेकर एसडीएम साहब से मिले हैं। शहर का विकास पिछले लगभग 6 महीनों से बिल्कुल ठप पड़ा है। पैसा हमारे पास इतना गया, अगर हम लगातार यहाँ 5 साल भी मिस्त्री चलता रहे हमारे पैसा कम नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ के नेताओं की भावना को देखना यहाँ सारा कार्य बिल्कुल ठप कर दिया है। ये चाहते हैं ये यहाँ शहर का विकास ना हो, ये खुद का विकास चाहते हैं। आज हम सभी नगर पालिका के एमसी जो नगर पालिका में काम ना होने के कारण इकट्ठे हुए थे और जो सारे प्रस्ताव पास हो पड़े हैं और लेकिन राजनीतिक कुछ ऐसे सिस्टम में होने के कारण हर काम में रोड़ा अटकाया जा रहा है। लगभग सीएम ग्रांट की जो यहाँ ग्रांट अलाउंसमेंट पड़ी है कम से कम 7-8 करोड़ अलाउंसमेंट वो पैसे पड़े हैं लेकिन उनको लगाने के लिए हर बार टेंडर लगाते हैं और अपनी मर्जी से कैंसिल कर देते हैं। इसमें बीच में सारा राजनीति का रोड़ा है और इसी बाबत हम इकट्ठे होके आए थे। भी अगर हमारे 72 घंटे के अंदर इन्होंने टेंडर नहीं लगाए तो हम नगर पालिका को ताला लगाएंगे और सभी एमसी वहाँ प्रदर्शन करेंगे और किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे।